हेलो, ये कैसे हो सकता है? वो नहीं, वो गया ही नहीं था वहां पे। अरे वो उसे पटाखे दिए किसने? इसकी क्या गलती है इसमें? अनीता और निखिल ने तो विहान को अच्छी तरह से बड़ा किया, अब बच्चे स्कूल में क्या करते हैं ये तो स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वो तो बच्चा है, उसने मजाक मजाक में पटाखा जलाया और आग लगा दी। कहाँ जा रही हो अनीता? तुम्हारा योगा सेशन का टाइम है। क्या कहा था मैंने तुमसे? प्रायोरिटाइज करो। It's a happily ever after, Akshu. Yeah, let's not have kids and ruin our lives like some people. Anita, because it's called. Application approved ho gaya yaar. The official waiting period starts from now. We're gonna be parents. I'm gonna be a pup. I have to call Papa, yeah. Let me just call him. Huh? Wait. Makes me feel all right. पापा ने फिर से बहुत चीनी डाल दी कॉफी में। अरे बेटा, एक और ले लो। नहीं। खाओ। नहीं। अरे लंबी फ्लाइट है, खा ले। एक घंटे की फ्लाइट है, आप लो। वैसे सिट की मॉम सो स्वीट, मान गई मुंबई में शादी के लिए। अब तू जा आराम से बैंगलोर, मैं और तेरी माँ यहाँ सब संभाल लेंगे। पापा, अपनी लास्ट नाइट की कॉन्वर्सेशन भुलाना मत। तू क्यों इतना टेंशन लेती है? हाँ, सिट की मॉम कितनी अच्छी है ना, है ना सुधा? अरे रीति रिवाज कुछ भी चीज के लिए बिल्कुल भी फंसी नहीं है भाई। अब तो हम बढ़िया सी शादी करेंगे अपने तरीके से। आप दोनों बात करो। आज पहली बार मेरा ओरिगेमी वर्कशॉप है ऑनलाइन। काफी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। I'm quite nervous and excited. Mom, all the best. Thank you. Papa, आप मेरी बात सुन के अनसुनी कर देते हो यार। मैंने कहा ना, मुझे शोशा करने के लिए शादी नहीं करनी है, प्लीज। शुरू हो गया तेरा टेप रिकॉर्डर, अभी भी अपनी सोचेगी? शर्मा फैमिली में ये आखिरी शादी है, उसका क्या? हेलो अंकल। अरे सिद्धार्थ, जीते रहो, आओ बैठो, आओ, बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता। नहीं अंकल, मैं खा के निकला हूँ। अरे वो तो पच गया होगा और क्या। एक सेकंड, अब टॉपिक चेंज मत करो, सिर के सामने ही कंटिन्यू करते हैं। मैं कल रात बिल्कुल सीरियस थी, हम दोनों अपनी शादी खुद फाइनेंस कर रहे हैं। यस अंकल। लेकिन क्यों? हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना बेटा, और एक बात बताओ मुझे कि अभी तुम लोग अपनी सारी सेविंग्स जो है वो शादी में उड़ा दोगे तो आगे हाथ में बचेगा क्या? Am I right? और ये जो क्या है तुम्हारा, ये सेल्फ फाइनेंस नॉनसेंस, ये रबिश है, एब्सोल्युटली। अबे नेक्स्ट थिंग तुम लोग बोलोगे कि खंडिया दान भी मत करो। अंकल, ऐसा नहीं है कि हमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो फिर एक्चुअली हमारे स्पेशल डे पे हमें आप सबकी हेल्प और गाइडेंस चाहिए। पर अंकल, क्या है ना कि अपनी शादी पे घर वालों से पैसा लेना ऐसा है जैसे अपनी मॉम से ना मैं स्कूल का होमवर्क करा रहा हूँ। अब पूरी दुनिया करती है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम करें, राइट? एग्जैक्टली। नो, एंड इफ एनीवन सेज एनीथिंग ना, तो सिड का नाम आगे कर दो। हाँ, बोल देना कि मेरे दामाद को ऐसी ही शादी चाहिए थी, हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। Yeah. It's done. It works for me. Hello. Yes. Hi, Jagati. So, uncle, we're good? Mm-hmm.
नॉट होम नो श्योर नो सर एक बार आप उन दोनों से बात कर लीजिए वो दोनों बहुत देर से झगड़ रहे हैं तुम जाके समझाओ नो आई वोंट बच्चों की तरफ बिहेव कर रही है तुम लोग देख रहे हैं पापा एक सेकंड हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था ना वी हैड एन अग्रीमेंट डू यू रिमेम्बर मैं बॉम्बे में नहीं थी उसका फायदा उठा के किसी से बिना पूछे ये 1500 गेस्ट का वेन्यू बुक आपने किया है और बच्चों की तरह मैं बिहेव कर रही हूँ नाइस ये सिर्फ मेरा प्लान नहीं है पायल से बात की मैंने पायल का वो वेडिंग प्लानर है पापा उसे खुद के बिल्स बढ़ाने हैं जब तक हम ये बुकिंग कैंसिल नहीं करते मैं यहाँ से उठने ही नहीं वाली यू नो तब मैंने एग्री किया था क्योंकि तुम दोनों घर के बाहर जा रहे थे और ऐसे वक्त पे झगड़ा नहीं करते अच्छा नहीं लगता समझी ना अक्षु सोच यार लोग क्या कहेंगे शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी यूं ही सिंपल तरीके से करा दी ऐसे कैसे होगा एनी प्रॉब्लम सर बुकिंग तो लॉक्ड है ना हाँ लेकिन प्लीज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं नहीं हमें लॉक नहीं बुकिंग कैंसिल करनी है Fine, ma'am. Is there any inconvenience from our end? No, everything's perfectly fine. It's fine. आप उनके तरफ क्यों देख रहे हो? Bride मैं हूँ ना, मेरी शादी है. मैं बोल रही हूँ booking cancel करनी है. If it is about budget, we can. Budget से बात ही नहीं है. क्या लगता है आपको? हमारे पास पैसे नहीं है. Sorry, sir. That not what I meant. घर की आखिरी शादी है हमारी. सोच समझ के final करेंगे ना हम. पता नहीं आपको क्या जल्दी पड़ी सर वेडिंग सीजन है बुकिंग तो लॉक्ड है ना वेडिंग सीजन है तभी तो शादी हो रही है ना ऑफ सीजन थोड़ी करेंगे कमाल करते जाइए आप प्लीज अनीता क्या हुआ कुछ नहीं माँ सम ऑफिस का काम इतना स्ट्रेस मत ले बेटा एक मिनट हाँ ले मैं तेरी चंपी करती हूँ नाइस आई ट्राई दिस फॉर डैंड्रफ हाँ आई लव दैट दे हैव नो हार्मफुल केमिकल्स हाँ तनुजा मुझे बता रही थी इसके बारे में वो ना शी इज वेरी मच इनटू आयुर्वेदा तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करती है जो एकदम नेचुरल हो हाँ जैसे इसमें अनियन जूस कोकोनट ऑयल टी ट्री ऑयल भी है और बेस्ट पार्ट है कि ये ना 65 डिग्रीज पे ऑफ हो जाता है तो बाल भी अच्छे रहते हैं स्कैल्प को डैमेज नहीं होता चलो हो गया मम्मी हाँ आपकी चंपी के लिए ना मैं रोज स्ट्रेस नहीं होगी तू ना क्या हुआ बेटा बता मुझे क्या हुआ अनु मैं तुझे बचपन से जानती हूँ बता क्या हुआ I don't know, I was just thinking कि बात बताओ आपको कभी ऐसा लगा था मेरे या अक्षु के टाइम पे कि आप ये सब पुल ऑफ नहीं कर पाओगे कभी सोचा नहीं मैंने मतलब आई जस्ट वेंट विद द फ्लो शायद सोचना चाहिए था ऑल दिस हैविंग चिल्ड्रन रेजिंग अ फैमिली इट्स अ फुल टाइम जॉब Yes, it is. उसके ऊपर you have your real job. तुम नंदिनी जी की बात कर रही हो नंदिनी जी वो कहां से बीच में आ गई है तो अपनी कुछ नहीं चल क्या हुआ कुछ नहीं मम्मी मैं भी आपको बचपन से जानती हूँ बोलो ना वो बस अक्षु की शादी की स्ट्रेस है और
ये अक्षु और नंदिनी जी कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं ना. आई मीन बहुत अच्छी बात है और इट मेक्स सेंस आल्सो क्योंकि नंदिनी जी इतनी स्मार्ट इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट है. बिल्कुल तुम दोनों लड़कियों की तरह. सो शी हैज सो मच मोर टू ऑफर अक्षु देन मी टुडे. तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनके जैसे होती तो. Wow. Hey, women, we make it so hard on ourselves, no? If you have a career, it's a problem. If you don't have a career, it's a problem. I guess the grass is always greener on the other side. ये प्रकाश और अक्षु से बात हुई? मम्मा प्लीज उनके बारे में बात मत करो. इतने दिन के बाद कुछ शांति मिली है. निखिल आ रहा है वो ही हैंडल कर लेगा. अक्षु इस राउंड में पापा थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं बाय द वे. ये इंटीमेट वेडिंग वाला पॉइंट भी वो मान गए हैं और वेन्यू को बदलने को भी मान गए हैं. ठीक नाउ इफ यू वांट योर सेल्फ फाइनेंसिंग थिंग बैक ऑन द टेबल देन देखो ऐसा कुछ कुछ करना पड़ेगा ना. कुछ पाने के लिए कुछ खोना टाइप. हेलो मैं रिसेप्शन के लिए भी तैयार हो गई हूँ. और कितना चाहिए यार इन्हें? वो चाहते हैं कि मेहंदी और हल्दी की गेस्ट लिस्ट भी वो बनाए. हाँ इट्स नॉट अ बैड डील. ट्रस्ट मी कंसीडरिंग योर फादर इट्स नॉट अ बैड डील. नो नेवर. नो इधर देख अक्षय ब्रीद इन ब्रीद आउट. हेल्प अस हेल्प यू. ओके हल्दी और मेहंदी में मुझे 30 से ज्यादा गेस्ट नहीं चाहिए. 30 मैक्स. ओके 30 और वो 5-5 घंटों वाली रिचुअल्स भी नहीं. डन फाइनल रिचुअल्स. ठीक है डन डन. वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. लेट्स ऑल ईट. या ईट. ओ पालक बहुत अच्छा बना है ना पापा. वो हल्दी और मेहंदी का नहीं मानेगी. अरे हल्दी मेहंदी क्या वो तो डेकोर और रिचुअल्स पे अड़ी हुई है. बट देयर इज अ गुड न्यूज. वो रिसेप्शन के लिए मना लिया हमने उसे. रिसेप्शन में एंड टू एंड कंट्रोल हमारा होगा. शादी उसके हिसाब से कर ले कोई बात नहीं. रिसेप्शन हमारे हिसाब से होगी. इट्स परफेक्ट. बताओ आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल कंसिडरिंग योर मतलब कंसिडरिंग दिस सिचुएशन. इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल. Okay, Papa, this is the last chance, okay? इसके बाद अक्षु के सारे पॉइंट्स मानने पड़ेंगे. मेरे 3 नॉन निगोशिएबल टर्म्स होंगे. 1 शादी में 300 से कम गेस्ट्स नहीं आएंगे. 2 फूड मेन्यू मैं डिसाइड करूंगा. 3 booze will be on me. Done. Consider it done. Done. हाँ कोई problem ही नहीं है. Lock करते हैं उसको यहीं पे. Exactly. मैं क्या बोल रहा था कि पापा वो last time ऐसा confusion हो गया था ना. हमने बोला कुछ और था हो कुछ और गया. तो इस बार ऐसा करते हैं आप यहाँ पे sign कर दो. यहाँ पे मैं अक्षिता के sign करवा लूँगा. Just yeah. Take it easy. Good. We'll talk about it later. Yeah, we'll get back. Yes, we will. We'll be done. Guys, अब तो patch up हो गया यार. Smile, Papa. Come on. 1, 2, 3. तुम्हें जो भी पसंद हो, you decide. है ना? Tell ना. Papa, coffee. You see these? अच्छा ये इसका है ना? तुम तो food tasting के लिए जाने वाली थी. हाँ. मैं सिड की वेट कर रही हूँ. आता ही होगा. ओ पापा आप जाने वाले थे ना फूड टेस्टिंग के लिए. अनीता मैनेज कर लेगी ना. क्या हुआ है पापा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं पिछले हफ्ते बैंगलोर से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप दोनों कुछ अलग ही मूड में हो. आप खुश नहीं हो क्या? मैं तो खुश हूँ.
कितना खुश होना चाहिए हमें? नेगोशिएशन के वक्त तो कुछ बताया नहीं, अब बता दो। ये दोनों फिर शुरू हो गए। हाँ, let them sort it out between themselves, no? Mama. पापा, अगर आप मेरे वजह से हर्ट हो गए हो तो आई एम सॉरी। क्या सॉरी? फायदा है कुछ सॉरी बोलने का? यहां तो बस तेरी चल रही है। सॉरी, अपनी बेटी की शादी, इस घर की आखिरी शादी धूमधाम से करना चाह रहा था, जैसे सबकी शादियां होती। मैं तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। सिड और मुझे शादी करनी है ताकि हम हमारी खुशी अपने लोगों के साथ शेयर कर सके, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वेडिंग हॉल कितना बड़ा है, डेकोर कितना क्लासी है, गेस्ट्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, ये चीजें हमें मैटर नहीं करती। नीता की शादी मैंने कितने जोरों से की थी। कितने मजे किए थे ना हमने। You remember Sudhir uncles? Look, I know कि आप सोच रहे होंगे कि आपने मेरी शादी उससे भी ज्यादा बड़ी नहीं की तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तब की बात अलग थी, अब आप रिटायर्ड हो गए हो, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, आपने मनीष अंकल को भी लोन दिया था। या आई नो, नॉट अ किड एनीमोर। और मैं जानती हूँ कि ये सब आप फिर भी मैनेज कर लेते। इट्स नॉट दैट आई डाउट योर फाइनेंशियल प्लानिंग, यू आर लाइक माई सुपर हीरो, यू नो दिस। पापा, मैंने कभी आपके पैसे बचाने की कोशिश की है क्या? नहीं ना, तो अब क्यों करूंगी? मैं बस चाहती हूं कि यू सेव दिस मनी टिल आई हैव लाइक हाफ अ डजन ग्रैंडकिड्स, जो अपने नानू से महंगे वाली गिफ्ट की डिमांड करेंगे, जस्ट लाइक दी एंड आई यूज्ड टू डू। और अपनी मर्जी की तो आप भी कर रहे हो वैसे। मुझे कोर्ट रूम वाली शादी चाहिए थी, अब तो हल्दी, मेहंदी, रिचुअल्स, रिसेप्शन सब कर रही हूँ मैं। और इस सब में मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को भी खुश देखूँ। ना तो कौन कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ? मेरी फेवरेट बच्ची है तू। You know, मम्मा भी कुछ खास इन्वॉल्व नहीं लगती मुझे। I don't know what the matter is. This is also nice, no? है ना? काफी लंबी डिस्कशन चल रही है इन लोगों की। मम्मा, हो गई सुलह आप दोनों की? आपको सच में ऐसे लगता है कि मुझे सिड की मॉम आपसे ज्यादा पसंद है? दी ने कुछ नहीं कहा, पापा ने बताया। अभी आप उन्हें बाद में डांट लेना, जस्ट फर्स्ट आंसर मी। आपको सच में ऐसे लगता है? हाँ। और इसीलिए आप वेडिंग प्रेपरेशंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो? अक्षु, तेरी तो शादी हो जाएगी, तेरी अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी, और मुझे डर लगता है कि मैं सिर्फ तेरी नैगिंग मॉम बनकर रह जाऊंगी।
क्योंकि अब तेरे पास तो नंदिनी जी जैसी कूल मॉम है ना कंपैरिजन के लिए। मां आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो क्या है ना बेटा, जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स के रोल में इतने खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें पेरेंट्स के रोल से निकलकर उनका फ्रेंड बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तेरे पापा के बिहेवियर की वजह से तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है। मम्मा लुक बेटा, आई नो यू लव मी, बट आई वॉन्ट यू टू लाइक मी लाइक अ फ्रेंड। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरे मामले में इंटरफियर ही नहीं करती। आई गिव यू स्पेस बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू, राइट? आई हैड नो आइडिया, आई एम सॉरी। एंड ऑफ कोर्स आप मेरी फ्रेंड हो, इसीलिए तो हम इतना क्लोज है ना। और वैसे भी सिड की एक मम्मी काफी है मेरे लिए, आप भी उनके जैसे बन जाओगे तो मेरी तो वाट लग सॉरी पर लगेगी। और आप ही सोचो, जब मुझे एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा नैगिंग फ्रेंड की जरूरत होगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब प्लीज मेरे लिए बदलना मत, अब जैसी भी हो बिल्कुल बेस्ट हो। ओके प्लीज डोंट क्राई। माय ड्रामा क्वीन। या तेरे टाइम भी ऐसा ही हुआ था? आज तो सब रो रहे हैं, आप रोए, पापा रोए, मैं रोई। पापा क्यों रोए? क्या ये दरवाजा मुझे देखना पड़ता है अभी टाइम? आई सॉ थोड़ा ऐसे है वे। लेट्स जस्ट गेट इट आउट ऑफ द वे फिर। और तो भी होगा, मुझे भी होगा। सिड। हेलो आंटी। हाय सिड, कैसे हो? हाय सिड। यार सारे आउटफिट्स मिल गए। अक्षु ये क्या है? This is yours. Okay, I'll go try this on. Mama, please aana, help me. अक्षु कहाँ रह गई, इतना वक्त लगा रही है? पापा यार बस भी करो, शिकायत की दुकान। वेलकम टू द फैमिली। थैंक्स। क्या हुआ, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही बच्ची। You look so beautiful, Akshu. Oh my God, and both of you, ekdam couple goals. See, I told you. Girl, you know, Sid ne ye Sherwani Manyavar ke showroom mein dekhi and he just loved it. So I thought even I'll look for my lehenga at Mohey and I think I picked the perfect one. Nahi? Waise Nikhil ne outfits le liye. He should also check out their collection. Please, yeah. I'm not going to let him steal his thunder. Kuch lighter le lenge uske liye. Arey nahi, mehmano ke liye bhi options hai. Like for all occasions, so. You guys will be sorted. अच्छा, तो अब तुम्हारी शादी में हम सब मेहमान बन गए हैं। ठीक है, Don't worry. जैसे ही निखिल थोड़ा फ्री होता है ना, हम भी चले जाएंगे। चलो। How amazing do you look? You also look so handsome. Good job, Akshu. बेबी, आउटफिट तैयार है। अभी जाके कोर्ट मैरिज कर ले। अपने खाने को लेके ना मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। दो महीने पहले यू वांटेड टू पे फॉर एवरीवन्स। It's nice to see you smiling like this. पहले पहले आए थे तो थोड़े reserved थे, but look at you now, man. खुल के हंस रहे हो। यार शर्मा। Thanks. I hope you're not joking. No, I'm being serious.
लगता है तुलसी ने तो कमाल कर दिया. हाँ, ऑफ कोर्स. आई मीन लुक एट मी यार, एटलीस्ट खुल के हंस सकता हूँ मैं. आई फील सो गुड. यू शुड. एटलीस्ट तुम्हारे शादी के फोटोज वोंट बी एज ऑकवर्ड एज योर ग्रेजुएशन फोटोज. You've seen those photos? Akshita, तुमसे कुछ नहीं छुपाती ना? I hate to be the one to break this to you, but girls now, they tell each other everything. Oh, by the way, Akshita told me that you guys got the approval from the agency. Congratulations! That's amazing news. You both must be so excited. Yeah. What? Are you not happy? Of course I'm happy. ये क्या बात हुई? Anita. It's just this waiting period. Yeah, it's killing me. I mean, most women they get 9 months to become mothers, but for me it's like what? One phone call and snap, now I'm a mother. I mean, what makes me so sure that I know what I'm doing? कल को उसने जाके स्कूल चला दिया तो it's freaking me out. और निखिल वो भी. He's fine. He's perfectly calm and composed as always. So talk to him. He's got so much going on. He's got all these investor meetings and still in the middle of all this he's so happy. He's enjoying this whole thing and I don't want to ruin that for him. मैं उसको अपनी टेंशन क्यों दूँ यार? ऊपर से घर पे शादी है and I'm sorry. शादी तो तुम्हारी है. I have gone and made this whole night about myself, and it's not. Okay, it's about you and this food tasting, and this gajar ka halwa. Take some kali dal with it. And, I will have just, all know, this it's... food. Look, listen. What you and Nikhil are doing is huge. So it's okay to feel nervous before all this. It's absolutely normal. शायद सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ. I mean, look at you. तुम्हारी भी तो शादी एक हफ्ते में हो रही है ना. And you're fine. You're absolutely fine. Sir? You are fine, no? Yeah. But I don't know. Something doesn't feel right. So it's the beginning of the end and I want to ask you कैसा लगा ये episode? I hope आप लोगों को ये show देखने में उतना ही मजा आ रहा है जितना हम सब को बनाने में आया. Exactly. So if you like this show, please go and rate and review What the Folks on IMDb. Yes, 10 ना. IMDb में 10 की rating है. हाँ, तो 10. 10, yes, 10.